हेलो एवरीवन, दिस इज पवन वर्मा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज पांडवेश्वर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जो हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे। और ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ और मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा यहाँ के बारे में, क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या कैसे हो रही है। पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि लोगों को हेल्प करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, मतलब किसी की जान बचाने का सबसे आसान तरीका आपके पास क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप हेल्दी हैं, आप अगर वर्क लाइफ अच्छा है आपका, आप मेंटेन करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो सबसे आसान तरीका है लोगों को जान बचाने का ब्लड डोनेशन। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, किसी का जान बचता है उससे, तो ये मतलब हमें उस चीज़ की क्रेडिट मिले ना मिले, बट आपको इनर फीलिंग मिलती है, एक इनर हैप्पीनेस मिलता है, जैसे आप ब्लड डोनेट करके किसी का जान बचा रहे हैं, राइट। कहते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए आपको डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, आप ब्लड डोनेट करके भी कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। आप अगर एक बार ब्लड डोनेट करते हैं 300 ml, 400 ml, राइट, तो उससे आप कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। आप जो ब्लड डोनेट करते हैं वो ब्लड का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कोई माँ जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो बहुत सारा ऐसा केस होता है जहाँ पे उस माँ को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारा रोड एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। कोई बच्चा अगर कैंसर से गुजर रहा होता है, उसको कैंसर होती है, तो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे केस है, चीज़ें हैं जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपका ब्लड इस्तेमाल होता है। आपको पता भी नहीं होता है कि आपका ब्लड कितने को किसका जान बचा रहा है, चाहे वो हिंदू का है या मुस्लिम का है या कोई सिख है या कोई, ब्लड सबका खून खून सबका लाल ही होता है, और वो किसी का भी जान बचा सकता है। ये भेदभाव खून में नहीं होता, ये भेदभाव हम लोग खुद अपने आप में करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऊंच नीच का, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे जिसका भी खून हो किसी का भी जान बचा सकता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लोगों को सामने आना चाहिए यहाँ पे हमारे कंट्री में। अब देखिए कि कितने सारे लोग हैं, तो ब्लड की कमी तो हो ही नहीं सकती। अगर सबको आगे आकर साल में 6 महीने में या 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करे, तो ब्लड की कमी तो कभी महसूस ही नहीं होगी, किसी भी अस्पताल में ब्लड का कमी तो होगा ही नहीं। बहुत कई ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, जो घबरा जाते हैं दूसरों को देखकर, या फिर ऐसा घबरा जाते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। आप जो ब्लड डोनेट करते हैं ना, वो 2 महीने के अंदर ही, 2 महीने से कम वक्त में ही वो ब्लड आपके बॉडी में वापस से बन जाता है, नया ब्लड जो सेल होता है, ब्लड सेल प्रोड्यूस हो जाती है 2 महीने के अंदर ही, राइट। आप कमज़ोर नहीं होते हैं। एक इंसान के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, 5 से 6 लीटर ब्लड होती है। और एक जो डोनर होता है, जो ब्लड डोनेट करता है, वो हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। और ये ब्लड डोनेट करने में सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट ही लगता है, और ये 15-20 मिनट आप अगर देते हैं तो इससे आप कई सारे लोगों का जान बचा सकते हैं। तो एक छोटी सी बात है जो सबको पता होना चाहिए। और भी ऐसी बातें हैं जैसे कि ब्लड डोनेट करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। नुकसान तो ऐसा कुछ है ही नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदा है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे क्या होता है ना कि आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम या फिर कैंसर होने की जो चांसेस होती है, उसका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, कैंसर होने की चांसेस जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है कि ये जो आपकी बॉडी में है, जिसका ज़्यादा वजन है, वो वजन वेट लॉस करने में हेल्प करता है, वो वजन कम करने में हेल्प करता है। ब्लड डोनेशन करने से आपको
एक जो लीवर होता है वो आपका हेल्दी रहता है, जो लीवर होती है वो हेल्दी रहता है। ब्लड डोनेट करने से आपका आयरन लेवल बॉडी में सही रहता है, सही तरीके से मेंटेन रहता है। ब्लड डोनेट करने से आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी की लाइफ बचा रहे हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का। आपको अगर सोशल वर्क करने का कहीं कोई टाइम नहीं मिलता है, बस 15-20 मिनट टाइम निकाल कर आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो ये सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप निभा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को ब्लड डोनेट कौन कर सकता है, जिसका उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, वो 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है, और जिसका वजन, बॉडी का वजन भी देखा जाता है, तो जिसका वजन 45 किलो से अबव होता है राइट, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेट करते समय आपकी टेम्परेचर, पल्स क्या स्पीड से चल रहा है, ये वो सब चीज़ देखी जाती है, नॉर्मल होनी चाहिए टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर वगैरह कोई भी अलग दवाई ववाई नहीं चलनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है। ठीक है, आप अगर कोई अगर किसी को स्किन डिजीज है, या फिर किसी को फिर सांस लेने की कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज है कोई, तो वो ब्लड नहीं लिया जा सकता है। वो ब्लड ऐसा कोई बीमारी है जिसके थ्रू ब्लड से ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे कि HIV पॉजिटिव वगैरह, तो उन लोगों की ब्लड यूज़ नहीं किया जा सकता है। नॉर्मल जो इंसान है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको बहुत सारे जो बीमारियां जो है उससे राहत मिलती है। जैसे मैंने बताया आपको, हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, आपके लीवर हेल्दी रहता है, आपके बॉडी में आयरन लेवल मेंटेन रहता है, तो ब्लड डोनेट करनी चाहिए राइट। और अभी तक ऐसा कोई भी उपाय या फिर फार्मूला नहीं निकल कर आया है कि जो ब्लड है वो ब्लड लेबोरेटरी में बनाया जा सके। ऐसे तो बहुत सारे, साइंस तो बहुत ही आगे पहुंच चुका है, साइंस तो बहुत कुछ इन्वेंट किया, बहुत सारी चीज़ें साइंस ने की है, बट आज तक ऐसा कोई फार्मूला नहीं निकला है जिससे ब्लड लेबोरेटरी में बनाया जा सके। बस एक ही तरीका है जो है ब्लड डोनेशन, इससे आप किसी का हेल्प कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। ब्लड डोनेशन इज अ ग्रेट gesture टू हेल्प द needy पीपल एंड those हु आर इन नीड ऑफ ब्लड। देर आर मेनी हेल्थ issues which remain silent until it is in late stage. We do not easily notice the early warning sign of health conditions such as hypertension, cancer, diabetes, kidney problem and so on. If you want to be a donor, then it is your responsibility to take care of yourself and ensure that you are not spreading any disease. आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको एक चीज़ की दायित्व लेनी पड़ेगी कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप किसी को वो बीमारी फैलाए नहीं, आप सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें, और आप ब्लड डोनेट करने से भी आप खुद को भी हेल्दी रखते हैं और जान को भी बचाते हैं, दूसरों की जान को भी बचाते हैं। ये रहा मैंने भी फर्स्ट टाइम लाइफ में ब्लड डोनेट किया है, बड़ी अच्छी फीलिंग, बड़ी प्राउड फीलिंग है, बहुत ही, ये आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसको कोई अननोन को मदद होने वाला है, आपको नहीं पता कि आपका खून कहाँ जाने वाला है, आपका ब्लड किसको, किसकी लाइफ बचाने वाली है, तो इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी। ये मेरे पापा जी मुझे बोलते हुए कि थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर डूइंग समथिंग। पवन हॉर्लिक्स खाच्छे एकटा, पवन हॉर्लिक्स खाच्छे देखा है। ब्लड डोनेट करने के बाद आपको जूस वगैरह, नाश्ता वगैरह दिया जाता है, तो यहाँ मैं बैठकर हॉर्लिक्स पी रहा था, बड़ा ही अच्छा रहा आज का ये एक्सपीरियंस, ब्लड डोनेट करने का एक्सपीरियंस। और आप अगर, आपको भी अगर कहीं मौका मिलता है, कहीं भी आप देख रहे हो ब्लड डोनेशन कैंप लगी हुई है, तो आप जस्ट जाकर, आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई ऐसा कार्ड है जिसमें ब्लड ग्रुप आपका मेंशन किया हुआ है, तो आप भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।